मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए पति ने खतरनाक साजिश रची। उसने बीमा करवाया, फिर 5 लाख की सुपारी देकर बदमाशों से उसकी हत्या करा दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मामला राजगढ़ के कुरावर थाना इलाके में माना जोड़ का है। 26 जून को पूजा मीणा की गोली मारकर हत्या करा दी गई थी। साजिश रचने वाला आरोपी उसका पति बद्री प्रसाद मीणा है। उसने न केवल सातिराना अंदाज में पूजा की हत्या करवाई, बल्कि मौसेरे भाई को इस मामले में फंसाने की भी कोशिश की। बीमा की रकम जल्द पाने के तरीके खोजने के लिए उसने गूगल और यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च किए थे कि किन हालातों में ये पैसा जल्दी मिल जाता है। खास बात यह है कि सुपारी के 5 लाख रुपए का इंतजाम भी आरोपी पति ने उधार लेकर किया था। राजगढ़ एडिशनल SP मनकामना प्रसाद ने बताया कि बद्री प्रसाद पर 40 से 50 लाख रुपए का कर्ज था। उसने यह कर्ज उतारने के लिए पत्नी का 35 लाख रुपए का बीमा कराया। बद्री इस बीमा राशि से कर्ज चुकाना चाहता था। उसने बीमा की राशि को हड़पने के लिए पत्नी की हत्या की साजिश रची। गोलू मीणा साकिर शाह और हुनरपाल सिंह को 5 लाख रुपए में पत्नी की सुपारी दे दी। तीनों ने गोली मारकर पूजा की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी बद्री प्रसाद और हुनरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री सीटर हैं। 26 जुलाई को वारदात वाली रात 9:30 बजे बद्री प्रसाद पूजा को बाइक पर बैठा कर ले गया। साजिश के हिसाब से बद्री प्रसाद ने कुरावर थाना इलाके के माना जोड़ के पास बाइक खराब होने का बोलकर रोक दी। वह बाइक ठीक करने का बहाना करने लगा और पत्नी को सड़क पर बैठने को कहा। जैसे ही पूजा सड़क पर बैठी, आसपास छिपे गोलू साकिर हुनरपाल ने कट्टे से पूजा को गोली मार दी। पत्नी की हत्या करवाने के बाद बद्री प्रसाद ने साथियों से कहकर अपनी कमर पर डंडे से मारने के निशान बनवाए। हत्या की पूरी फिल्मी कहानी रच डाली। बद्री प्रसाद ने पुलिस को घटना की गलत जानकारी देते हुए मौसेरे भाई समेत 4 लोगों पर झूठा आरोप लगा दिया ताकि बीमा के 35 लाख रुपए ले सके। घटना के बाद बद्री प्रसाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 बेगुनाह लोगों पर केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने वारदात के समय की चारों आरोपियों की मोबाइल लोकेशन निकाली। 2 लोगों की लोकेशन गांव में निकली, 1 व्यक्ति की लोकेशन रतलाम में मिली। इससे ये पता लगा कि ये आरोपी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने पूजा के पति बद्री प्रसाद मीणा की CDR निकाली। हत्या वाले दिन उसकी किस से बात हुई, जिसमें पता चला कि पत्नी की हत्या से पहले बद्री प्रसाद की 3 लोगों से दिन में कई बार बात की है। इसके आधार पर पुलिस ने बद्री प्रसाद को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। बद्री प्रसाद ने अपनी वाइफ का बीमा कराया था, बाद में उसने बाजार में बहुत सारे पैसे उधार ले लिए थे। उनको चुकाने के लिए पत्नी हत्या कार्य करके जो बीमा से प्राप्त पैसे प्राप्त होते उनसे उनका लोन उधार चुकाना था।